तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप सिरप के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस सिरप के बारे में, डोज के बारे में बताएंगे, इसका जो होता है कि यूज के बारे में बताएंगे, साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे, तो सारा चीज़ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला सिरप है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं क्या है कि साइपोन नाम से आता है जो मार्केट में, ये ब्रांड नेम है। ठीक है, आपको यहाँ पर समझना है ये ब्रांड नेम है, और जो नीचे ये वाला जो कंपोजिशन नेम है, और ये इसका यूज हो गया और इसका डोज हो गया। ठीक है, आपको ये समझना है, ये आपका जो सिरप का फिगर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम है जो ब्रांड नाम जो क्या है कि साइपोन नाम से ये मार्केट में देखने को मिलता है। अगर इसका कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन है क्या, सिप्रोहेप्टाडीन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सोर्बिटॉल है, और क्या है कि ट्राइकोलिन है, ट्राइक्लोलिन है, यह तीनों इसका क्या है कंपोजिशन हो गया। ठीक है, अगर इस सिरप का यूज के बारे में बात करें तो यूज के बारे में बात करें तो इंक्रीज एपेटाइट, क्या करता है, भूख बढ़ा देती है ये सिरप आपको। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज वेट, अगर भूख बढ़ेगा तो आप खाना ज़्यादा खाइएगा, उससे क्या होता है कि आपका वेट भी बढ़ेगा। उसके बाद क्या है, मेल न्यूट्रिशन, इससे क्या होता है कि जो बच्चा कुपोषण का मतलब शिकार हो जाता है तो उसको लिए ये सिरप बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अगर किसी को कमजोरी हो गई है तो उस सिचुएशन में आप इस सिरप को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट डोज होता है 5 ml BD, आप सुबह और शाम दे सकते हैं, और चिल्ड्रेन डोज होता है जो 2.5 ml आप दे सकते हैं सुबह और शाम, 2.5 ml। ठीक है, चिल्ड्रेन का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि न्यू बोर्न बेबी। ठीक है, आपको कम से कम 5 साल एज होना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर होना चाहिए। ठीक है, आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिरप देख लेंगे। नेक्स्ट सिरप है जो यहाँ पे, नेक्स्ट सिरप आप यहाँ पे देख सकते हैं, एरिस्टोजाइम है, क्या पेप्सिन होता है, और दूसरा क्या है कि एग एल्यूमिनियम होता है, और कुक्ड स्टार्च होता है, क्या तो पक्का हवा स्टार्च बोलते हैं जो होता है, और एग एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो जैसे क्या होता है कि हार्ट बोन्स, इंडाइजेशन, गैस, ये सारा चीज़ में इसका यूज किया जाता है। जैसे पेट में जलन हो गया, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, पेट में गैस बन रहा है, तो ये सारे कंडीशन में इस सिरप का यूज किया जाता है। अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट डोज होता है जो 5 ml होता है, BD देना रहता है, सुबह और शाम दोनों देना रहता है, और चिल्ड्रेन डोज जो 2.5 ml BD सुबह और शाम देना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सिरप यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट सिरप यहाँ पे है जो क्या है, आर्बिटोन है। अगर इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन इसमें होता है जो आयरन होता है और फोलिक एसिड होता है, जो इसका कम्बिनेशन होता है। ठीक है, कंपोजिशन होता है जो इस सिरप का, जो आर्बिटोन क्या है ये इसका ब्रांड नेम है। ठीक है, अगर यूज के बारे में बात करें जैसे एनीमिया, जैसे खून की कमी में इस सिरप का यूज किया जाता है, और लो हेमोग्लोबिन, जैसे होता है कि हेमोग्लोबिन कम होने पर यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखते होइएगा कि कभी जब डॉक्टर द्वारा हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराया जाता है तो किसी का देखिएगा कि हेमोग्लोबिन 8 आ गया है, किसी का 7 आ गया, तो 7 तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, 8 आ गया है, किसी का 8.5 है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज किया जाता है, क्या है, हेमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और इसकी डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट डोज है 5 ml, जो BD देना है, सुबह और शाम देना है, और इसमें चिल्ड्रेन डोज भी 5 ml BD देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिरप देख लेंगे। नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट सिरप है जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट सिरप है जो क्या है कि डेक्सोरेंज है। डेक्सोरेंज है जो इसका अगर कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन है फेरिक एमोनियम सिट्रेट, क्या है, फेरिक एमोनियम सिट्रेट है, और दूसरा क्या है, साइनोकोबालामिन है, और फोलिक एसिड है, ये तीनों क्या है, इसका कंपोजिशन है। ठीक है, और इसकी यूज के बारे में बात करें तो सेम यूज है एनीमिया, जैसे खून की कमी में यूज किया जाता है, और लो हेमोग्लोबिन में यूज किया जाता है। और इसका डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट डोज 5 ml BD देना है, और चिल्ड्रेन डोज भी आपको 5 ml BD देना है, दिन में 2 बार देना है, 5 ml देना है, सुबह और शाम देना है। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट सिरप देख लेंगे। नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट सिरप है जो क्या है, डाइजिन है। डाइजिन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें कंपोजिशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम, ये तीनों क्या है, इसका कंपोजिशन है। और जो क्या है, डाइजिन क्या है, इसका जो ब्रांड नेम है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें, यूज के बारे में बात करें तो इनडाइजेशन, मतलब इनडाइजेशन मतलब समझ रहे हैं, पाचन में समस्या होना, अगर कोई भी आप खाना ले रहे हैं तो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसमें ये सिरप का यूज किया जाता है। गैस एंड एसिडिटी, जैसे गैस और एसिडिटी की समस्या, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे स्टोमक अल्सर, पेट में छाले होना, अगर पेट में छाले बन गया तो उसमें इस सिरप का यूज किया जाता है। ठीक है, और डोज के बारे में बात करें तो 10 ml BD आप एडल्ट के लिए दे सकते हैं, और 5 ml BD आप चिल्ड्रेन को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिरप देख लेंगे। नेक्स्ट सिरप है यहाँ पे जो जीन कोविट है, ये क्या है, जीन कोविट, बहुत ज़्यादा कंपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे कंपोजिशन हम नहीं लिख पाए, आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है,
और इसकी यूज के बारे में बात करें जिन कोविड सिरप का जो आप यहाँ पे देखे हैं, जिसे क्या करता है कि इंक्रीज इम्यूनिटी, क्या मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये सिरप, जैसे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, समझ रहे हैं इस सिरप के बारे में, जिन कोविड जो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और इसी डोज के बारे में बात करें तो ये इसका डोज होता है 10 ml एडल्ट डोज, 10 ml BD, और चिल्ड्रेन डोज होता है जो 5 ml BD रहता है, दिन में 2 बार देना रहता है। एडल्ट में क्या होता है, दिन में 2 बार देना रहता है 10 ml, और चिल्ड्रेन में क्या है 5 ml दिन में सुबह और शाम देना रहता है, ठीक है, जो जिन कोविड सिरप है, ठीक है। सो नेक्स्ट सिरप देख लेंगे। नेक्स्ट सिरप यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्या है, नेरी नाम से आता है, ठीक है, इसको नेरी नाम इसको बोला जाता है, जो इसका ब्रांड नेम है, इस आयुर्वेदिक दवा होता है, समझ रहे हैं। और इसका यूज के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि किडनी स्टोन में इसका यूज किया जाता है, क्या कहता है कि इसको किडनी स्टोन के लिए ना बहुत ही फायदेमंद ये दवा होता है, क्या किडनी स्टोन का जैसे होता ना मारा हुआ किडनी को जिंदा कर देता है ये सिरप, ठीक है। ये सिरप का बहुत ही ज़्यादा योगदान है किडनी के लिए, UTI इन्फेक्शन और किडनी डिजीज, ये मतलब किडनी का कोई भी डिजीज हो तो ये सिरप का यूज किया ही जाता है। ये सिरप जो किडनी के लिए होता है ना, एक वरदान साबित होता है, इस तरह से ये सिरप है, ठीक है। और इसका अगर डोज के बारे में बात करें तो यहाँ पे डोज आप समझ सकते हैं, जैसे क्या होता है कि एडल्ट डोज हो गया कि 10 ml BD भी दिया जाता है, और चिल्ड्रेन डोज 5 ml BD दिया जाता है। जैसे किडनी के ये सिरप है ना, किडनी और पथरी के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। किडनी में किसी भी तरह की बीमारी हो तो इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सिरप देख लेंगे। नेक्स्ट सिरप यहाँ पे है जो आप देख सकते हैं कि ये भी एक आयुर्वेदिक सिरप है, जो साफ़ी है, साफ़ी नाम से ब्रांड नेम है इसका, इसका कंपोजिशन बहुत सारा है तो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर इसका यूज के बारे में बात करें तो ब्लड प्यूरीफाई करता है ये सिरप, जो आप यहाँ पे देख सकते क्या है, ब्लड प्यूरीफाई करता है। और अगर इसका जो एक्ने होता है, सिकेंड क्या है कि एक्ने जैसे होता है कि मुहासे ठीक करने में, जैसे ब्लड प्यूरीफाई का मतलब आप समझे, खून साफ करने में, ये आपको प्रत्येक आदमी के 6 महीने पर पीना चाहिए, ठीक है। उससे बेहतर होता है कि आपका ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद किसी को फीवर हो गया तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का यूज किया जाता है, ठीक है। जो फीवर कभी कभी क्या होता है कि फीवर किसी का जल्दी डाउन नहीं होता है तो उस कंडीशन में ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए साफी का सिरप दिया जाता है। और इसकी डोज के बारे में बहुत ध्यान रखना है आपको, चाहे बिफोर लंच 5 ml लेना है, मतलब कि खाली पेट 5 ml लेना, फिर कितना लेना है आफ्टर लंच, मतलब लंच करने के बाद आप फिर कितना लेना है, खाना खाने के बाद आप 5 ml लेना है, और ड्यूरिंग नाइट मतलब रात के सोते समय आपको फिर 5 ml लेना है, ठीक है, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो सिरप है LEAP 52 है, जिसका नाम आप अधिकांश आदमी सुना ही होइएगा, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आयुर्वेदिक दवा है, इसका कंपोजिशन लिखना पॉसिबल नहीं है, जो हिमालय कंपनी द्वारा बनाया जाता है ये सिरप, ठीक है। इसका अगर यूज के बारे में बात करें तो जॉन्डिस में यूज किया जाता है, उसके बाद डाइजेशन में यूज किया जाता है, जैसे डाइजेशन में यूज किया जाता है, पाचन को ठीक करने में किया जाता है, इम्प्रूव एपेटाइट का मतलब समझ रहे हैं, भूख बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, और लीवर प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है, मतलब लीवर की कोई भी समस्या हो तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज किया जाता है। इसका भी जो यूज के बारे में बात करें, डोज के बारे में बात करें तो डोज सेम है, बिफोर लंच 5 ml लेना है आपको, आफ्टर लंच 5 ml लेना है, मतलब खाना खाने से पहले 5 ml, और खाना खाने के बाद भी 5 ml आपको लेना है, और ड्यूरिंग नाइट मतलब रात को सोते समय आपको 5 ml लेना है, ठीक है। ये हमारा आखिरी सिरप था। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझना है। आपको स्क्रीन पर जो सिरप दिख रहा है इसका आपको कमेंट करना है, इसका यूज कहाँ किया जाता है और कितना ml यूज किया जाता है ये सिरप को, और कितना सुबह या शाम दिया जाता है, या TDS दिया जाता है, या BD दिया जाता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। जो दो सिरप आपको दिख रहा है स्क्रीन पर आपको इसका कमेंट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि मतलब कोई भी मेडिकल स्टूडेंट हो उसका हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।